तेलंगाना न्यूज टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। हैदराबाद और जिले रंगारेड्डी हुकूमत के तकर्रुर करदा खाजियों के एक वफद ने सदर खाजी जहीरुद्दीन की सदारत में वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी से मुलाकात की और इन्हें रियासती वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर किए जाने पर मुबारकबाद पेश की और इनके मसाइल पर तबादले ख्याल किया जिनका इन्हें निकाह के दौरान सामना करना पड़ रहा है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने रमज़ान के बाद यकीन दहानी कराई है कि वो इन तमाम मसाइल पर बात करेंगे जिनका इन्हें सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तमाम हैदराबाद के नायब काजी, हैदराबाद और रंगारेड्डी के नायब काजी हजरात की जानिब से आज हम यहां पर वक्फ बोर्ड में हाजिर हुए हैं और चेयरमैन जनाब सैयद अजमतुल्ला हुसैनी साहब से मुलाकात किए और उनको मुबारकबादी पेश की गई। हमारे इस मुलाकात में सदर आली वक़ार मोहतरम उलमकाम अलहाज मोहम्मद जहीरुद्दीन साहब क़िबला सदर गवर्नमेंट खजात किला मोहम्मद नगर भी तशरीफ़ फरमा थे। हजरत सदर खादी साहब ने अपने खजात के सिलसिले में पेश आने वाले चंद मसाइल भी गोश गुजार किए और चेयरमैन साहब ने भी तयकुन दिया कि आप तमाम के मसाइल का हल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज सदर खादी साहब जहीरुद्दीन साहब की क़यादत में तमाम नायबीन आके जो है अजमतुल्ला हुसैनी साहब चेयरमैन वक्फ को मुबारकबाद पेश किए और चंद मसाइल पर मबनी एक याददाश्त भी पेश किए। तो उन्होंने तयकुन दिया कि बहुत जल्द जो है रमज़ान की फौरी बात जो है इजलास तलब करेंगे जो तमाम खाजियों के मसाइल के एक्सवी हो सके। इस सिलसिले में जो है ज़रूरी हिदायत देने के का भी मुतालबा किया। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।